हेलो मेरे प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल खुराफाती प्रियंका पे। सो टुडे आई एम गोइंग टू वैक्सीनेट माई सेल्फ एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू डू अ ब्लॉग। सो इन दिस ब्लॉग यू विल गेट टू नो अबाउट द वैक्सीनेशन प्रोसेस, अबाउट द वैक्सीन, अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ द वैक्सीन एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद वैक्सीनेशन and its whole journey, you know. So if you are new here, please do consider subscribing my channel, and if you are already watching my videos, thank you so much for your support. So let's not further do the video and quickly jump into the video. अभी भी इतने सारे र्यूमर्स फैल रहे हैं जबकि 2 करोड़ से ज़्यादा केसेस अब तक रजिस्टर हो चुके हैं। तो अब इतने र्यूमर्स, मतलब यहाँ तक की दिक्कत हो रही है बंदों को कि कौन सी वैक्सीन ले, कोवैक्सीन ले, कोविशील्ड ले, कब लेनी है कब नहीं लेनी है, और मार्केट में इतने सारे र्यूमर्स हैं। डॉक्टर कितनी क्लैरिफाई कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट क्लैरिफाई कर रहे हैं आ करके, बट जिन्हें र्यूमर फैलाना होता है वो तो फैलाते ही ऑब्वियसली। सो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ र्यूमर्स को ख़त्म कर पाऊँ और क्लियर कर पाऊँ। सो आई एम गोइंग टू वैक्सीनेट माई सेल्फ विथ कोविशील्ड, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोवैक्सीन कोविशील्ड आपको जो मिले आप लीजिए, वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन लेना बहुत 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 ज़रूरी है। कुछ लोग इस तरीके से भी बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन लेने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद भी जब हमें वायरस इफेक्ट हो ही रहा है तो वैक्सीनेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ट्रस्ट में ऐसा नहीं है। पता है क्या, जब अब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आपको, अभी मान लो बाहर में बुलेटबारी पूरी चल रही है, पूरी गोली गोली वोली चल रहे हैं, और आपके पास एक बुलेट प्रूफ जैकेट है, तो आपके पास जैकेट है और दूसरे सामने वाले बंदे के पास जैकेट नहीं है, तो कौन ज़्यादा सेफ है? आप ही ज़्यादा सेफ हो ना, क्योंकि आपके पास जैकेट है। तो सेम यही है इसमें, ये नहीं है कि आपको 100% सिक्योरिटी देता है कि हाँ ये नहीं ही होगा अब आपको, बट एटलीस्ट चांसेस बहुत कम हो जाते हैं वैक्सीनेशन के बाद। तो प्लीज़ आप अपने सेंटर पर जाइए और जो भी वैक्सीन मिल रही है, कोवैक्सीन कोविशील्ड कुछ भी मिल रही है, आप खुद को वैक्सीनेट करवाइए। और अब नेक्स्ट एक इशू हमारे साथ ये भी है कि बंदे वैक्सीनेशन करवाना तो चाह रहे हैं बट रजिस्टर भी कर चुके हैं, बट फिर भी उन्हें ना स्लॉट्स नहीं मिल रही हैं। इनफैक्ट मैं भी कब से ट्राई कर रही थी और अब जाके मुझे स्लॉट मिला है। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको स्लॉट्स अवेलेबल मिल सकते हैं और इजीली मिल सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप हर इंसान के फ़ोन में पेटीएम तो अवेलेबल होता ही है, आप जस्ट पेटीएम पर जाइए, पेटीएम पे एक ऑप्शन होता है रजिस्टर विथ फॉर वैक्सीनेशन, ठीक है, उस पर आप क्लिक कीजिए और आप अपना जो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप उसको फीड कीजिए। आपसे वो आपका पिन कोड या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछेंगे कि कहाँ पे आप वैक्सीनेट करवाना चाहते हो, आप उसको फिल कीजिए, आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम या फिर पिन कोड ये सब डालिए, और आपके पे अगर स्लॉट्स अवेलेबल होंगे तो वो वहाँ पे शो हो जाएगा कि हाँ ये स्लॉट्स अवेलेबल है, आप यहाँ पे वैक्सीनेशन करा सकते हो। बट अगर स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होंगे, जो कि मैक्सिमम टाइम नहीं होते 18+ के लिए खासकर, तो वो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन का, नोटिफाई मी का ऑप्शन होता है कि जब भी स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं होंगे वो आपको नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे कि आप आओ और अभी स्लॉट्स अवेलेबल है आप कर लो। तो इससे क्या होता है ना कि हम कंटिन्यूसली उस पर लगे नहीं रहते कि अब हुआ अब नहीं हुआ। जब भी वो स्लॉट्स अवेलेबल होगा आपके पास एक मैसेज आएगा कि अब आपको बुक करना है, इतने स्लॉट्स इस एरिया में खाली हैं, तो आप जाइए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे आप करवा सकते हो तो आप जाकर के अपनी बुकिंग ईजिली वहाँ से डन कर सकते हो। नेक्स्ट र्यूमर हमारे पास ये भी है कि कब वैक्सीन लेनी चाहिए, किन्हें लेनी चाहिए, किन्हें नहीं लेनी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वुमेन्स को मेंसुरल टाइम में वैक्सीनेशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो हार्म करता है हमारी बॉडी को, और अगर आप ले भी लेते हो तो फिर आपका वैक्सीन जो है वैक्सीनेशन की ज़्यादा इफिकेसी नहीं होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेंसुरेशन जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है हर वुमेन के अंदर। आप अगर मेंसुरल टाइम पे चल भी रहे हो और अगर आप वैक्सीनेट करते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि दिक्कत हो रही है या फिर आपकी एफिकेसी कम हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरली वुमेन्स को मेंसुरेशन से काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो झेलती आती हैं, और वैक्सीनेशन के बाद कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, जिस तरीके से हमारी बॉडी हीटेड होने लगती है, हमें फीवर आने लगता है, पेन होने लगता है, हेडेक होता है,
जो कि सबको नहीं होता, कुछ कुछ लोगों को होता है, बट ऐसी कुछ दिक्कतें होती हैं। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आपको ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं क्योंकि ऑलरेडी आप मेंस्ट्रुएशन में दिक्कतों को झेल रहे होते हैं। तो बस यही होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मेंस्ट्रुएशन टाइम में नहीं लेना है, आप ले सकते हो, आप इजिली ले सकते हो। एक और बहुत बड़ा इशू है, अभी प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर और जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उनको लेकर के, तो अभी सरकार ने अभी अलाउ सच तो अलाउ नहीं करा है कि ऐसे लोग वैक्सीनेशन ले सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट इस तरीके से बोल रही है कि अभी जो भी औरतें ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है या फिर प्रेग्नेंट हैं वो उन्हें वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए, बट US गवर्नमेंट ने अभी अलाउ कर दिया है कि नहीं उन्हें भी लेना है बिकॉज बेबी में वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू वायरस आ सकता है, तो उन्हें लेना भी ज़रूरी है। बट चूंकि हम इंडियन हैं और इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियन चीज़ों पर ज़्यादा रिलाई करेंगे, इसलिए मैं नहीं सजेस्ट करूँगी उन लोगों को अभी वैक्सीनेशन लेने के लिए। एक और र्यूमर अभी फैल रहा है कि इससे ना हमारी फर्टिलिटी लूज होती है, मतलब जो भी बंदे वैक्सीनेशन ले रहे हैं उससे उनकी फर्टिलिटी लूज होती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ र्यूमर है, प्लीज़ इन सब बातों को कान ना दें और ख़ुद को वैक्सीनेट कराएं, ये बहुत ज़रूरी है। एक रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करना चाहूँगी कि जो भी लोग अभी प्रेगनेंसी अडॉप्ट करना चाह रहे हैं या फिर प्रेगनेंट होना चाह रहे हैं, प्लीज़ मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है अभी उनसे कि अभी आप इसको थोड़ा सा डिले कर दें, 1 मंथ 2 मंथ थोड़ा डिले कर दें, अभी वैक्सीनेशन ज़्यादा ज़रूरी है, प्रेगनेंसी उसके बाद भी आप रख सकते हैं क्योंकि बच्चे को भी खतरा हो सकता है, अभी ऐसा टाइम चल रहा है। और अब चूंकि जो प्रेग्नेंट है वो वैक्सीनेट नहीं करवा सकते खुद को, इसलिए मेरे बॉटम ऑफ द हार्ट से मेरी रिक्वेस्ट है ये कि जो भी ऐसा कुछ प्लान करना चाह रहे हैं वो अभी कुछ मंथ के लिए थोड़ा सा इसे डिले कर दें और उसके पहले वैक्सीनेशन का काम करवा लें और उसके बाद इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू करें। सो नाउ आई एम लिविंग द हाउस और मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ बाइक पे जा रही हूँ, हम दोनों ने साथ में ही बुकिंग करी है, तो मैं अब वहाँ पे सेंटर पे जाती हूँ और आपको अपडेट देती हूँ कि सेंटर पे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। और मैं कोशिश करूँगी वहाँ पे भी जितनी वीडियो बना पाऊँ वो बनाने की कोशिश करूँगी और फिर घर पर आकर के मैं कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है? तब तक के लिए बाय। हम यहाँ वैक्सीनेशन साइट पे पहुँच गए हैं, यहाँ पे मैं पता कर लेती हूँ। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं वैक्सीनेशन सेंटर पे, हम देखते हैं अंदर में क्या सीन है, क्या भीड़ है, क्या है, कैसे है, मैं अपडेट देती रहूँगी। एक साइड टाइप का है जहाँ पे इन्होंने सिटिंग करा दी है, आप देख सकते हो। सो आई हैव जस्ट रीच्ड होम आफ्टर वैक्सीनेशन, तो मैं अब जा रही हूँ थोड़ा फ्रेश होकर के, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, बाय बाय। सो मैं थोड़ा बहुत तो थक गई हूँ, थोड़ा हरासमेंट सा हो गया जा करके, बट मुझे भी हल्का हल्का सा यूँ हाथ को कर रही हो ना तो हल्का सा पेन हो रहा है, बट ऐसा मुझे ऐसा अभी अभी मैं ठीक हूँ, अभी मुझे ऐसा कुछ भी पेन नहीं हो रहा है। मैंने सुना है कि ये पेन जो है ये आपको नेक्स्ट डे से स्टार्ट होता है, पेन या फिर फीवर जो भी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम रेडी फॉर दैट, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है मेरा, मुझे क्या फीवर आता है नहीं, क्योंकि हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ को फीवर होता है कुछ को नहीं होता है, तो लेट्स सी मेरी बॉडी किस तरीके से इसको रिएक्ट करती है और जो भी होगा मैं आप लोग को अपडेट देती रहूँगी टाइम बाई टाइम, ठीक है? सो कंटिन्यू रखना इस ब्लॉग को, देखते रहना, बाय बाय। तो अभी रात के 12 बजने में पर 7-6 मिनट बाकी है और मुझे फीवर आ चुका है, अभी 100 था फीवर जो मैंने चेक करा, तो और देखती हूँ मैं
जा रही हूँ, सोच रही हूँ पैरासीटामोल खा लेना, क्योंकि फीवर नॉर्मल है, मुझे पता है फीवर टफ नहीं है, फीवर इज़ नॉर्मल, तो मैं ज़्यादा घबरा नहीं रही हूँ और मैं भी पैरासीटामोल खा करके फिर से सोने की कोशिश करती हूँ। बाकी देखते हैं सुबह में क्या रहता है। बाकी और दूसरा कुछ फीवर के अलावा मुझे फील नहीं हो रहा, जस्ट थोड़ा सा पेन है मेरे हाथ में और 100 फीवर है। आई थिंक सुबह तक ठीक हो जाना चाहिए, मैं पैरासीटामोल खा लेती हूँ। बाकी सुबह का क्या रहता है मैं आपको अपडेट देती हूँ मॉर्निंग में। बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभी उठी हूँ, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, एनर्जेटिक भी फील कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे फीवर नहीं आया है। टचवुड, रात में बस एक पैरासीटामोल खाने के बाद से मुझे सुबह हो गई, अब मुझे फीवर नहीं आया और मैं काफ़ी अच्छा भी फील कर रही हूँ। जस्ट मेरे हाथ में थोड़ा बहुत पेन है मेरे हाथ में, बट ओवरऑल आई एम फीलिंग रियली फ्रेश। और सो आई कैन से दैट मेरा एक्सपीरियंस वैक्सीनेशन के साथ काफ़ी अच्छा रहा। मे बी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें थोड़ी तकलीफ मेरे से ज़्यादा होती हो, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मुझसे भी कम तकलीफ होती है, कुछ भी उन्हें फील तक नहीं होता। तो ये ना हर पर्सन के अपने अपने बॉडी पर डिपेंड करता है कि क्या है, बट ट्रस्ट मी, वैक्सीनेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इन दीज डेज। सो दिस इज ओवरऑल माई एक्सपीरियंस। मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करूँगी, प्लीज़ जाइए वैक्सीनेशन लीजिए, और इसके बारे में जितनी अवेयरनेस आप फैला सकते हैं अपने सोसाइटी में फैलाइए। एंड ऑन दिस नोट आई थिंक आई शुड एंड द ब्लॉग। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग और नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आस पास के लोगों का ध्यान रखिए और खुश रहिए, खुशियाँ फैलाइए। शब्बा खैर। Thank you. Bye-bye.